देश में कोरोना से हाहाकार, नहीं थम रही बढ़ते मामलों की रफ्तार, आखिर कब खत्म होगा कोरोना का खौफ। नमस्कार, मैं मनीषा राघव, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश में कोरोना का खौफ तेज होता जा रहा है, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 6000 के पार जा चुका है, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 28300 के पार हो गई है। साल 2023 में कोरोना के नए मामलों ने साल 2022 के 16 सितंबर के आंकड़ों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 24 घंटे में कहां कितने मरीजों की गई जान। बीते 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना से जान चली गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,943 हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और राजस्थान में 2-2, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में 1-1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन करने और उनमें प्रसार बढ़ाने की बात कही। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 3.39% पहुंच गया है। अगर औसतन देखें तो मार्च में रोजाना औसतन 1000 नए मामले सामने आ रहे थे, जबकि अप्रैल में रोजाना औसतन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कहां कितने मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 6500 नए केसों में से 4037 सिर्फ 5 राज्यों में मिले हैं। इनमें केरल सबसे आगे है, यहां 1936 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 803, दिल्ली में 606, हिमाचल प्रदेश में 367 और गुजरात में 327 केस सामने आए हैं। तो वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 318 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे में इसकी संख्या 11009 रिकॉर्ड की गई है और अगर पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 5.77% से बढ़कर अब 7.39% पर पहुँच गई है, यानी कि खतरा गंभीर है और लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बीते दिन की बात करें तो 5000 मामले सामने आए थे और अगर आज की बात करें तो 6000 से ज्यादा आज मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि खतरा बढ़ता ही जा रहा है। खतरे से सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, कोरोना के नियमों का पालन करने की जरूरत है। आप भी मास्क लगाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें और देश दुनिया और कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।